नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुप्रीम जीएस एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान जी के क्विज के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा रेगुलरली राजस्थान जी के क्विज चलाई जाएगी, जिसमें राम निवास सर द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपको सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा डाले जाएंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी को परखने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है, जिसके माध्यम से आप रोज़ाना इन क्विज को लगाएं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो आज राजस्थान के लोक देवता, लोक देवी और राजस्थान के प्रमुख संतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं, आप इनको करें। उसके पश्चात आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने सही हैं। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गोगा जी की धूरमेडी या धड़मेडी जिसे हम कहते हैं, गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों आप कमेंट में आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेडी या फिर जिसे धूरमेडी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? तो लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ, पहला ऑप्शन तिलवाड़ा, दूसरा रनेला, तीसरा बैंकटी, चौथा पंडरासर। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है रनेला गांव, जो कि डूंगरपुर जिले में है, वहां लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ स्थित है। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता, वे लोक देवता जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, पहला ऑप्शन डोंग जी जवार जी, दूसरा जुंजार जी, तीसरा फत्ता जी, चौथा भी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आप आंसर बताएं। तो दोस्तों डोंग जी जवार जी ऐसे लोक देवता हैं जो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे को बांट दिया करते थे, अमीरों के पैसे को लूट लेते थे और उन्हें गरीबों में बांट दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंच पीरों में शामिल नहीं है, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो पंच पीरों में शामिल नहीं है, पहला गोगा जी, दूसरा अडबू जी, सी ऑप्शन रामदेव जी, चौथा तेजा जी। दोस्तों इसका आप आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है तेजा जी, डी। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, गोपा मेहरा, तो गोपा मेहरा से आप पांच पीरों को याद कर सकते हैं। गो का मतलब गोगा जी, पा का पाबू जी, मे का मेहा जी, हा का हड़बू जी और रा का रामदेव जी, गोपा मेहरा ये पंच पीर होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन सांचौर, दूसरा जालौर, तीसरा चूरू, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है सांचौर, जो कि जालौर जिले में है। तो इसमें जालौर आंसर आपको नहीं करना है, इसमें करना है दोस्तों मुख्य स्थान है सांचौर, जहां पर गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब है दोस्तों मंदिर, ओल्डी का मतलब होता है दोस्तों मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, पहला रामदेव जी, दूसरा भूरिया बाबा, सी मल्लीनाथ जी, डी गोगा जी। दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए रामदेव जी। तो रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊँटों की पालक जाति राइका या रेवाड़ी जाति के आराध्य देव हैं, पहला ऑप्शन पाबू जी, बी ऑप्शन गोगा जी, सी तेजा जी, डी रामदेव जी। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है राइका रेवाड़ी जाति के आराध्य देवता हैं पाबू जी। तो दोस्तों आज का आंसर है पाबू जी।
तो बाबूजी रायका और रेवारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। ऊंट जब बीमार हो जाता है तो बाबूजी की फड़का वाचन किया जाता है। चलिए आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता को धार्मिक विचारों के साथ पशु चिकित्सा का ज्ञान ज्ञान दोस्तों ऐसे लिखा होता है, इसमें प्रिंट में मिस्टेक हो गई। तो किस लोक देवता को धार्मिक विचारों के साथ पशु चिकित्सा का ज्ञान हो गया था? पहला ऑप्शन देव बाबा, बी ऑप्शन भूरिया बाबा, सी ऑप्शन रामदेव जी और डी ऑप्शन देव नारायण जी। दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है ए, देव बाबा को धार्मिक विचारों से क्या हो गया था? पशु चिकित्सा का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला है। पहला रामदेव जी का, जू नहीं दोस्तों ये जी है, रामदेव जी का, बी ऑप्शन पाबू जी का, सी ऑप्शन गोगा जी का, डी ऑप्शन तेजा जी का। तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला लगता है रामदेव जी का लगता है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भाव हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, दोनों जाति के लोग जो है उनके लिए ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनारायण जी के प्रमुख देवरे हैं, देवनारायण जी के प्रमुख देवरे हैं, ए ऑप्शन देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक, बी ऑप्शन देव डोंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन जो है देवमाली ब्यावर अजमेर, और दोस्तों डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी ऑल। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। तो इन चारों जगह पर रामदेव जी के मंदिर, देवनारायण जी के मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में, देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में और देवमाली ब्यावर अजमेर में। दोस्तों आपको किस तरीके से याद रखना है, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों 3D के माध्यम से। 3D आपको याद रखना मतलब 3D याद रखना है। डी का मतलब देवधाम जोधपुरिया, देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ और देवमाली ब्यावर अजमेर। तो ये 3D पर, 3D में देवनारायण जी का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? पहला ऑप्शन रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, सी ऑप्शन देवनारायण जी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों रामदेव जी का गीत जो है सबसे लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? ए ऑप्शन जाम्बोजी, बी मीराबाई, सी लालदास जी, डी दादू दयाल जी। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। दोस्तों इसका आंसर है दादू दयाल, जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है? पहला अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा जयपुर, चौथा नाथद्वारा। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। दोस्तों बल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, राजसमंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? ए ऑप्शन नाथद्वारा, बी सलेमाबाद, सी शाहपुरा में, डी अजमेर में। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में है दोस्तों। तो जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन जाम्बोजी, दूसरा रामदेव जी, सी ऑप्शन हरिराम जी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर है जाम्बोजी। बिश्नोई धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं जाम्बोजी माने जाते हैं, जिन्होंने 20+9 नियम दिए, इस वजह से इन्हें बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाणी तथा सर्वांगी ग्रंथों के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन रज्जब जी, दूसरा दादूदयाल जी, तीसरा जसनाथ जी और डी ऑप्शन है सूरदास जी। वाणी तथा सर्वांगी ग्रंथों के लेखक कौन है? तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, रज्जव जी वाणी तथा सर्वांगी ग्रंथों के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? दादू दयाल जी, रामचरण जी, चरणदास जी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है चरणदास जी। चरणदास जी ने नादिर दिल्ली के सुल्तान नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, उस समय चरणदास जी ने ये सूचना दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? पहला बाबूजी, बी गोरखनाथ जी, सी भर्तृहरि, डी दादू दयाल जी। नाथ पंथ के, चलिए दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों नाथ पंथ के जो महान संत माने जाते हैं वो भर्तृहरि को माना जाता है। भर्तृहरि का जो मेला लगता है दोस्तों अलवर जिले में लगता है, अलवर। चलिए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पहली धौलीधूप, बी सापरा, सी नारायणा, डी जयपुर। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों दादू संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो नारायणा में है, और नारायणा कहाँ पे? जयपुर में है। तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है दोस्तों नारायणा जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जी रोमायरो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन रत्नो खाती, बी ऑप्शन रूपा खाती, सी ऑप्शन श्यामल दास, डी ऑप्शन हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर काव्य। तो मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जी रोमायरो नामक ग्रंथ की जो रचना की गई थी वो रत्नो खाती के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी है? ए ऑप्शन बाण माता, बी ऑप्शन आसा माता, सी ऑप्शन आई माता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेवाड़ राज परिवार की जो कुल देवी है वो बाण माता को माना जाता है, जिसका मंदिर उदयपुर जिले में है। तो उदयपुर में इसका मंदिर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, चूहों की देवी कौन है? ए ऑप्शन करणी माता, बी ऑप्शन रिद्धि बाई, सी ऑप्शन जोग माता, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर है करणी माता। तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, चूहों की देवी या फिर चारणों की कुल देवी मानी जाती है। देशनोक बीकानेर में इसका मंदिर है। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चौहानों की कुल देवी व मधुमक्खियों की देवी कौन सी है? पहला ऑप्शन जीन माता, बी ऑप्शन सक्राय माता, सी आई माता, डी शाकंभरी माता। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। चौहानों की कुल देवी व मधुमक्खियों की देवी। तो दोस्तों चौहानों की देवी कुल देवी व मधुमक्खियों की देवी जो है जीन माता को माना जाता है, जिसका मंदिर रहवासा सीकर में है। तो दोस्तों जीन माता का मंदिर कहाँ पे? रहवासा में है। और रहवासा कहाँ पे है दोस्तों? रहवासा जो है सीकर जिले में है। तो रहवासा सीकर में जीन माता का मंदिर है। चलिए 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हाड़ा राजवंश की कुल देवी है? ए बडली माता, बी भदाना माता, सी लटियाल माता, डी आई माता। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों हाड़ा राजवंश की जो कुल देवी है वो भदाना माता को माना जाता है। तो भदाना माता जो है हाड़ा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, जिसका जो मंदिर है कोटा में है। दोस्तों कोटा जिले में भदाना माता का मंदिर है। मूड से पीड़ित व्यक्तियां जो होते हैं, मूड से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज वहां पे किया जाता है। मूड मूड का मतलब है दोस्तों घात वगैरह, जो गाँवों में बता दें घात लग गई तो वो जो होते हैं वो भदाना माता के मंदिर में दूर की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, सैनिकों की देवी या थार की वैष्णो देवी कौन सी है? सैनिकों की देवी या थार की वैष्णो देवी, ए ऑप्शन सुंदा माता, बी ऑप्शन तनोट माता, सी ऑप्शन लटियाल माता, डी ऑप्शन हिंगलाज माता। तो दोस्तों सैनिकों की देवी या थार की वैष्णो देवी
तनोट माता को माना जाता है। तनोट माता का मंदिर जो है जैसलमेर जिले में है। तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में है। चलिए 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में जालौर के सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी कौन सी है? हिंगलाज माता, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भवाल माता, सी आशापुरा माता और डी ऑप्शन सुंदा माता। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन का आंसर है आशापुरा माता। तो जालौर के सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी है दोस्तों आशापुरा माता। चलिए 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, स्वगाली माता किसकी कुल देवी है? ए ऑप्शन ओस वालों की, बी ऑप्शन आउवा के ठाकुर परिवार की, सी ऑप्शन सिखी जाति की, डी ऑप्शन यादव राजवंश की। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। 1857 की क्रांति में भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आउवा के ठाकुर परिवार की, अर्थात आउवा का ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत है उसकी परिवार की ये कुल देवी मानी जाती है। चलिए 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जोबनेर में स्थित खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कौन सी है? ए ऑप्शन हिचकी माता, बी ऑप्शन घेवर माता, सी ऑप्शन बाण माता और डी ऑप्शन ज्वाला माता। तो दोस्तों जोबनेर में स्थित जो खंगारोत राजपूत हैं उनकी जो कुल देवी है वो है दोस्तों ज्वाला माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है? ए ऑप्शन नागनीची माता, बी ऑप्शन बाण माता, सी ऑप्शन तनोट माता, डी ऑप्शन स्वांगिया माता। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो नागनीची माता जो है जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? ए ऑप्शन शीतला माता, बी ऑप्शन सला देवी, सी ऑप्शन छींच माता, डी ऑप्शन बाण माता। तो दोस्तों इसका आंसर है शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा का मतलब दोस्तों मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति जो होती है उसकी पूजा की जाती है। तो ये है दोस्तों शीतला माता चाकसू जयपुर। शीतला माता का मंदिर है दोस्तों चाकसू में है। चाकसू कहाँ पे? जयपुर में है। तो चाकसू जयपुर में वहाँ पे इसकी पूजा की जाती है, चाकसू जयपुर में। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? ए ऑप्शन करणी माता, बी ऑप्शन बाण माता, सी ऑप्शन शीतला माता, डी ऑप्शन आई माता। तो दोस्तों ये आज की आपकी राजस्थान जी के क्विज समाप्त हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।